जुबी और आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। राजनांदगांव जिले के पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीना के निर्देशन में जिले में चल रहे अवैध जुआ सट्टा पर कार्रवाई करते हुए डोंगरगढ़ थाना प्रभारी एमएन साहू द्वारा चेन्नई एवं दिल्ली के बीच चल रहे आईपीएल क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन जुआ खेलने की सूचना पर डोंगरगढ़ में स्थित एक निजी फार्म हाउस में रेड की कार्यवाही की गई, जिसमें 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों द्वारा ऑनलाइन आईपीएल क्रिकेट मैच पर दाव लगवा रहे थे, सट्टा पट्टी लेते रंगे हाथों पकड़ा गए। आरोपियों के कब्जे से 13 नग मोबाइल, 1 नग लैपटॉप, 3 नग वाईफाई, 46 लाख रुपए का सट्टा पट्टी और नकदी रकम 50,500 रुपया जब्त किया गया। आरोपियों के विरुद्ध थाना डोंगरगढ़ में अपराध पंजीबद्ध कर धारा 4 का जुआ एक्ट और छत्तीसगढ़ शासन जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 6-7 कायम कर आरोपियों को गिरफ्तार कर डोंगरगढ़ न्यायालय में पेश किया गया। पकड़े गए आरोपियों में 2 आरोपी भिलाई नगर जिला दुर्ग और 4 आरोपी डोंगरगढ़ के निवासी हैं। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा दिशा निर्देश दिया जा रहा था कि अवैध जुआ सट्टा शराब पे लगातार कार्रवाई करनी है। इनके निर्देशन पर ही एक सूचना मिली कि दिनांक 10 मई 2023 को प्रज्ञागिरी के मुर्गी फार्म में जो है कुछ लोग सट्टा खिला रहे हैं। सूचना को तस्दीक करते हुए थाना प्रभारी के द्वारा टीम बनाया गया और जगह पर रेड की कार्रवाई की गई। रेड में जो है 6 आरोपी पकड़ाए और उनके पास से 50,000 नगद, 13 मोबाइल, 1 लैपटॉप और 3 वाईफाई के कनेक्शन प्राप्त हुए। 6 आरोपियों को जुआ अधिनियम की धारा 4, 6 और 7 के तहत विधिवत गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करने के पश्चात माननीय न्यायालय भेजने की कार्रवाई की जा रही है। रखिए देश के हर शहर, हर गाँव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।